इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुई, इसके ऑफिशियली आंसर की और क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। अब अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लगानी हो क्वेश्चन या आंसर पर, तो आप वो कैसे लगाओगे उसके बारे में चर्चा करूंगा और कब लगा सकते हो इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो या फिर सीएचओ एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको किन किन क्वेश्चन पर डाउट लग रहा है कि उन पर ऑब्जेक्शन लगनी चाहिए या आप लगा सकते हो, इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हो, उसके लिए जो चार्ज है वो पर क्वेश्चन कितना है और ये कब से कब तक आप लगा सकते हो। तो आप ये ऑफिशियली नोटिस देख सकते हो, प्रेस नोट में स्पष्ट रूप से दे रखा है। आज की डेट में ये प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक 3/3/2024 को आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा 2022 का मास्टर प्रश्न पत्र तथा उसकी प्रारंभिक उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यानी कि सीएचओ भर्ती परीक्षा जो आपके 3 मार्च को आयोजित हुई है, तो उस परीक्षा की ऑफिशियली आंसर की और मास्टर प्रश्न पत्र है वो बोर्ड की वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.government.in पर अपलोड कर दी गई है। यदि किसी भी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी किन्हीं प्रश्न या उसके उत्तर के संबंध में कोई भी आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक 9/4/2024 समय 1 बजे मध्यरात्रि से दिनांक 11/4/2024 समय 23:59 बजे मध्यरात्रि तक अपने ऑनलाइन आपत्ति बोर्ड की वेबसाइट पर दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज करानी है या फिर आंसर पर दर्ज करानी है कि भाई बोर्ड ने आंसर कुछ और माना है और आपके पास प्रूफ के साथ कुछ और आंसर है, तो आप ये आपत्ति दर्ज करवा सकते हो। कब से? 9 अप्रैल की रात को 1 बजे से लेकर 11 अप्रैल की रात को 11:59 बजे, इस बीच आप कभी भी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो। जैसे लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरह से आप आपत्ति दर्ज लगा सकते हो। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब आपको आपत्ति दर्ज कैसे करनी है और उसका चार्ज कितना लगेगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आगे लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलग अलग सेट के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए हैं। अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र में उनको उपलब्ध कराए गए प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर सम्मिलित है। उनके प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प का क्रम भी अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र के उत्तर के विकल्पों में भिन्न क्रम हो सकता है। यानी कि आपके पास जो पेपर है, जो परीक्षा में आप देके आए वो पेपर और जो अभी वेबसाइट पर अपलोड किया गया क्वेश्चन पेपर है, इनमें क्रमांक ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए ये सूचित किया जाता है कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मास्टर प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या वो उत्तर के विकल्पों के क्रम के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज करें, इसका ध्यान अवश्य रखें। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या आंसर पर आपत्ति दर्ज करानी है, तो आपको क्वेश्चन जो बोर्ड की वेबसाइट पर क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसके अकॉर्डिंग ही देख कर आपको आपत्ति दर्ज करानी है, न कि आपके पास जो पेपर है उसको देख कर। यानी कि आपके पास जो पेपर है उसमें अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है उस पर आपको अगर आपत्ति दर्ज करानी है, तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसमें आपको देखना है कि जो आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन है वो उसमें कितने नंबर पर है। माना कि उसमें वो 18 नंबर पर है, तो आपको आपत्ति 18 नंबर क्वेश्चन पर दर्ज करनी है, ना कि 2 नंबर पर। ये खास ध्यान रखें, चाहे क्वेश्चन को लेकर हो चाहे आंसर को लेकर हो। आगे इन्होंने लिखा है, बोर्ड द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क है वो 100 रुपये निर्धारित किया गया है। यानी कि आपका जो पर क्वेश्चन चार्ज है वो 100 रुपये लगेगा। और आगे लिखा है, इस हेतु परीक्षार्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन आपत्ति के लिंक पर जाकर अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से देय शुल्क, ई मित्र पेमेंट, गेटवे या ई मित्र क्वेश्चन पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज करनी है उसके अनुसार प्रति प्रश्न ₹100 की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। यानी कि पर क्वेश्चन 100 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आपको 4 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करानी है तो आपका 400 रुपये लगेगा। 1 क्वेश्चन पर लगानी है तो 100 रुपये लगेंगे। यानी कि पर क्वेश्चन जो चार्ज है वो 100 रुपये है। और आपका जो ये पेमेंट है ऑनलाइन ही करना, ऑफलाइन स्वीकार नहीं होगा। और जो डेट दे रखी है आपके आगे ये लिखा हुआ है कि जो 9 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल की मध्यरात्रि के बीच में ही आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिनांक 9/4/2024 समय 1 बजे से दिनांक 11/4/2024 समय 23:59 बजे मध्य रात्रि तक ये उपलब्ध है। इसके बाद लिंक है वो निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम से या निर्धारित तिथि के बाद भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि 11
अप्रैल के बाद आप किसी भी माध्यम से अगर आपत्ति भेजोगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति वही स्वीकार होगी जो कि आप ऑनलाइन दर्ज करोगे 9 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच एसएसओ आईडी के माध्यम से। कैसे दर्ज करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले आप जब लिंक एक्टिव होगा 9 तारीख को, तब आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। जब एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का, आपको उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद ऊपर आपके पास एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन होगा। जब एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे तब तो आपके पास एडमिट कार्ड तो खुलेगा, उसके अलावा ऊपर तीन चार और नए ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एक ऑप्शन होगा अप्लाई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन या फिर अप्लाई ऑब्जेक्शन का ऑप्शन होगा। तो उस ऑब्जेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने उन एग्जाम की लिस्ट होगी जिनमें आपने एग्जाम दिए थे। तो उसमें आपको CHO 2022 लिखा होगा, उसके सामने जस्ट देखोगे तो आपके सामने लिखा होगा ऑब्जेक्शन, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करोगे तब आपके सामने नया पेज ओपन होगा, आपके रोल नंबर दर्ज होंगे, एग्जाम का नाम लिखा होगा, सेट प्रश्न पत्र, फिर जिसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन होंगे, आपको किस क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज करानी है जो कि बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए, वो आपको सेलेक्ट करना है। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सीरीज लिखे होंगे वहाँ पर। फिर आपको किस टाइप की आपत्ति है, क्या भाई आपत्ति अलग अलग हो सकती है, किसी के आंसर में गलत हो कि बोर्ड ने जो आंसर बताया वो गलत है, या फिर क्वेश्चन में ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम हो, या क्वेश्चन में किसी और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया हो, या फिर ऑप्शन में आपको एक से अधिक आंसर सही लग रहे हो, तो इसी प्रकार के जिस टाइप की आपकी आपत्ति है वो दर्ज करानी है। उसके साथ प्रूफ भी अटैच करना होगा आपको, और आपको जो पर्स क्वेश्चन है वो 100 रुपये चार्ज है वो देना होगा। अगर आपने शुल्क नहीं दिया और आपत्ति दर्ज कर ली तो वो आपकी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर से थोड़ी कम ही कट ऑफ जाएगी, इसका मैं बता सकता हूं आपको, क्योंकि पेपर इस बार आपका लेंथी था और इस बार जो CHO एग्जाम है वो आपके अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित हुआ था। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कौन कौन से क्वेश्चन लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन में हमें आपत्ति दर्ज करानी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी वो सबसे पहले देखने को मिलेगी।